नमस्ते, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ फूड हेल्थ एंड ब्यूटी में। आज हम बनाने वाले हैं मसाला भिंडी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हमें एक मसाले की पेस्ट बना लेनी है। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 चम्मच दही। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर दही आपका ज़्यादा खट्टा है तो आप 1 चम्मच लीजिए। उसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बढ़िया पेस्ट बना के इसको साइड में रखेंगे। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 मीडियम साइज़ का प्याज। इन्हें हमें एक तरतरा पेस्ट बना के रख लेना है। यहाँ पे हमने गरम कर लिया है पैन। पैन हमारा अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे 3 चम्मच सरसों की तेल। तो हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडी। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। भिंडी को मैंने कुछ इस तरह से कट करके लिए हैं। आप चाहें तो अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी शेप में कट करके ले सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा भी काट सकते हैं, थोड़ा सा छोटा भी काट सकते हैं। तो अच्छे से हमें भिंडी को फ्राई कर लेना है। थोड़ी सी हाई फ्लेम पे पहले हम भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे भिंडी के क्वांटिटी के हिसाब से और थोड़ी सी हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। आप जब भी भिंडी बनाएं, भिंडी को पहले अच्छे से धो के उसे फ़ैन के नीचे सुखा दें, या फिर अगर टाइम ना हो तो तुरंत उसे एक अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ लें। तब उसमें पानी नहीं रहता है तो हमारी भिंडी चिपचिपी नहीं बनती है। अब इसे ढक्कन लगाएंगे और इसे कुक कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, 70-80% इसको हम कुक करेंगे और सिर्फ हल्का सा ऊपर से इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो भिंडी हमारी तैयार है, इसे साइड में रखते हैं। तो बाकी के मसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम कर ली है, इसमें डाले हैं तेल। तेल गरम हो जाए उसमें डाल देंगे हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा। जीरा हमारा चटक जाए तो जो मसाला का पेस्ट हमने बनाया था प्याज टमाटर का, उसे हम इसमें डाल देंगे। हमेशा याद रखिए, जब आप प्याज की पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, भूनते हैं, उसको भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट, साथ ही में इसको अच्छे से भुनेंगे। अदरक लहसुन के साथ हमारा जो प्याज है वो भी बढ़िया भुन जाएगा। अब इसमें डाल देंगे हम नमक और हल्दी पाउडर। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करें और मसाले को हमें अच्छी तरह से भुनना है। यहाँ पे हम इसे ढक्कन लगा के कुक करेंगे ताकि जो प्याज टमाटर है ये अच्छे से कुक हो जाए और बढ़िया भुन भी जाए। 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम अच्छे से भुनेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे जो दही का पेस्ट हमने बनाया था वो। दही का पेस्ट डालने के बाद इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। आप मीडियम फ्लेम पे इसे भूनते रहिए। जब तक हमारा मसाला तेल नहीं छोड़ने लगता है तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। मसाले को भूनने के लिए आप फ्लेम को हमेशा मीडियम टू लो ही रखें। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे चुटकी भर चीनी। चीनी डालने से जो ग्रेवी है, इसका जो मसाला है, उसमें टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। चुटकी भर चीनी ज़रूर डालिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि जो मसाला है वो काफ़ी ड्राई है और जब हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे तो वो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा हमारा मसाला। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम कुक कर लेंगे। ढक्कन लगा के इसको कुक करेंगे जब तक हमारा मसाला हल्का सा तेल नहीं छोड़ने लगता है। 2 मिनट के लिए धीमे आंच पे ढक्कन लगाने के बाद आप देख सकते हैं मसाला बढ़िया तरीके से कुक हो चुका है। यहाँ पे ऐड कर देंगे हरी मिर्च, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। साथ ही में डाल देंगे स्लाइस किया हुआ प्याज। यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज़ के प्याज को इस्तेमाल किया है और कुछ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे फ्राई की हुई भिंडी। भिंडी को हमने पूरी तरह से कुक नहीं किया था, अभी हम इसको मसाले के साथ कुक करेंगे ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे से जाए। पहले से अगर भिंडी आप पूरी तरह से कुक कर लेंगे तो बाद में ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे भिंडी को पूरी तरह से कुक नहीं करना है, फ्राई करके ही निकाल लेना है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और ढक्कन लगा के धीमे आंच में 2 मिनट के लिए पका लेना है। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच के करीब गर्म मसाला पाउडर। मिक्स कर देंगे और हमारी मसाला भिंडी बन के तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में दिए गए बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार वालों का ख्याल रखिए। नमस्कार।